इंसान कितना बेशर्म हो सकता है, इनसे को देखो इतना कितना इतना। ये सुबह सुबह आया, कहता मैं एलवी का शर्ट पहन के आ रहा हूँ, तुम देख के पहचान जाना। फिर हमने पूछा कि एलवी कहाँ से, सरोजिनी? कहता नहीं रजोड़ी। यार इसकी शेप भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अपना बिल भर के चिल्लर लेके आया। इसका हर जगह से कट चुका है, अब कहाँ से पटेगी? लिया तो मैंने, मैं बोल तो रही हूँ, तेरे को क्यों लूंगी सबके ब्लॉग में? इसका ब्लॉग हाईजैक हो गया गाइस। भाई ये लाइट सही आ रही है यार तेरे ऊपर, क्या बात है अंकिता, तू पहले से बदसूरत दिखने लगी। हरामखोर। हंस रही थी इसके लिए, ये तो जीभ नहीं डाल देती हर जगह। भाई क्या हो गया तेरे को? हेलो, नागिन लग गई तेरी जीभ, सही जगह जा नहीं पा रही है मेरे को लग रहा है। शट अप। क्या बोला मैंने? फ्राइज खाने भाई उसको। ये क्या चलिया भाई, फ्राइज खाने ना तुझे मसाला वाले? वो फ्राइज जीभ से खाएगी, दांत से खाते हैं। स्वाद तो जीभ पे ही आता है, दांत पे तो नहीं आता। दांत पे तो मसाला आता है। हेलो, घर जाओ। इसको हमने ऑर्डर लेने के लिए भेजा था, अब हमारा ऑर्डर तो आ ही जाएगा, तो तू घर जा सकती है। आज गोविंद के साथ, सॉरी कट दियो, कट। गोविंद आई मिस यू, मी टू। देख भाई तेरे प्यार में छाती पीट रही है, इसने तो अपनी चूड़ियां तोड़ दी। क्या तोड़ दी? चूड़ियां। हां दिखाऊं? देख चोट भी इसने, नसें काट ली अपनी। ये देख, देख चूड़ी तोड़ दी। अबे ये देख, मैंने तेरी यार चलते हैं। ये क्या कर रहा है?
आपने कभी फरेर रोशन नहीं देखी होगी, वो देखो फरेर रोशन कितनी फैन है। छोटे छोटे बच्चे घोड़े पर बैठ रहे हैं, मुझे बैठाएंगे थोड़ी कर देती हूँ। गाइस हम लोग बिछड़ चुके हैं, वो लोग हमें छोड़ के चले गए, हमें बोला कि नीचे जाने के लिए, फिर देखा तो ये लोग गायब हैं। ये लोग पता नहीं जा जा के गए भी क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, लिफ्ट से आ रहे हैं क्या, वही तो मानसी ने फोटो भेजी स्नैप देख। दिखा 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 भाई, ऐसे ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। लिफ्ट में चले गए या हमें नीचे भेज के, ये लोग छोड़ के चले गए, बताओ कहाँ ही आएंगे। लिफ्ट है यहाँ पर, वही देख रही हूँ मैं, लिफ्ट नहीं है पास में कहीं। ये पागल लोग हमको लाइफस्टाइल के सामने बोल के ये ऊपर चले गए, इतने बेशरम है ये, ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है, लेजिट शर्म भी नहीं आ रही, हंस रहे हैं भाई साहब, कितना बेशरम हो सकता है कोई, कितना बेशरम होता है। अब मैं व्लॉगिंग क्या करूँ यार, ऊपर जाके दो, पहले तो दो घूसे मारूंगी इनके, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। एक तो मारने में भी थोड़ा बहुत डर लगता है, ये इतना हाथी सा इंसान है, कभी मार वार दिया तो मैं मर वर जाऊंगी। ये आरती, हेलो, लॉस्ट एंड फाउंड, तुम नीचे चले गए और लिफ्ट खुल गई है, मुझे मारे लग देख रही है, दोगले लोगों के चेहरे देखे हैं, ये देखो, ये देखो दोगले लोग, कितना भाई इंसान कितना बेशरम हो सकता है, इनसे को देखो इतना कितना इतना इतना हो सकता है भाई, तुम सीढ़ियों से चले गए, मैं देखे जा रही हूं अंकल के कैसे आ गई आ गई। अरे तो अंकल कह रहे थे तो अंकल हमसे क्या दुश्मनी थी, हमें भी कह देते यार, घर यार अभी तो चार ही है ना, फिर क्यों ऊपर जाना है, कुछ बढ़िया जगह नहीं खा रही है, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है इधर उधर करने में, शॉपिंग करने के लिए तो करवा रहा है, अबे पागल है ये, फिर फिर क्यों बोल रहा है, शॉपिंग की बात कर रही है तो पूरा बोलना चाहिए, विंडो विंडो की ओर छोड़ दिया, ना विंडो दिखी नहीं, चल आ जा, सेम हो गया। ये सुबह सुबह आया, कहता मैं एलवी का शर्ट पहन के आ रहा हूँ, तुम देख के पहचान जाना। फिर हमने पूछा कि एलवी कहाँ से, सरोजनी, कहता नहीं रजौरी, अरे तो समझ ना यार, रजौरी से ही गया। सुनो सुनो सुनो, मैं एक बार क्रॉस पे घुसा था, हमने 8,000 रुपए की चप्पल है, 8,000 रुपए की यार, 8,000 8,000 में तो 8 लोगों के आ जाएंगे, कॉटन कैंडी खाने की ना, हमने कॉटन कैंडी खाए, ऊपर ही ऊपर ही आ गया, ये खाता है ना रघुवीर नगर, रघुवीर नगर में खाते है कॉटन कैंडी, एक्सक्यूज मी। गाइस इसको मत देखो, कहाँ गए ये लोग, ओए ये लोग यार कितने गंदे हैं ये लोग, पीछे छोड़ के मैं साइड वालों को दिखा रही थी।
भाई एक बात बता, कॉटन कैंडी मिली कहाँ से थी हमें? मिली कहाँ से थी मतलब? ढूंढा था ना कॉटन कैंडी वाले को, कहाँ था वो? मुझे क्या पता, तूने मेरे साथ ढूंढा था। मेरे साथ क्यों ढूंढूंगा, कौन है तू? हाँ तो तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? यहाँ से जा देख क्या। यहाँ से क्यों जाऊँ मैं? थक गई मैं। एक तो ये पता नहीं इतने लड़के इतने लंबे क्यों होते हैं, इतना ऊंचा करके पकड़ना पड़ता है कैमरा, तब जाके इनकी शक्ल दिखेगी। हाँ सही कहा, ये तो 5'8" है, ये कौन सा ऊंचा है? मैं 5'6" हूँ। तो 5'6, ये 5'6 है? नहीं वे 5'8 होगा। नहीं 5'8 तो हार्दिक ही है। कितना होगा ये? इसकी हाइट कितनी होगी? मेरी 178 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा 5'10 सीधे नहीं कहा जाता है इनसे। अबे वहाँ जाके बैठते हैं ना। अबे देख जो गेट खोल के गई थी मैं, वो खुला ही पड़ा है अभी तक। ये कहाँ जा रहे हैं? कॉटन कैंडी लेने जा रहा है, वो गुड़िया के बाल खाता है, गुड़िया के बाल। रघुवीर नगर में आ गई, बकवास कर रहा है। क्या लिखा है? रोबोटिक कॉटन कैंडी भाई। फोकस नहीं हो रहा। साइकिल वाला नहीं, पता नहीं कहाँ की बातें करते रहते हैं, ध्यान मत दिया करो उनकी बात। तू कर क्या रहा है? कहाँ है तुझे? चुप हो रहा ना। मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा। यार इसकी शेप ही ज्यादा अच्छी नहीं है। कह रही है इसकी शेप ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई टिश्यू पकड़ लो। शेप ज्यादा अच्छी नहीं है। फूल वाला शेप होता तो अच्छा होता। मैं का स्नैप भेज रही हूँ, मैं पहली बार थोड़ी खा रही हूँ स्नैप भेजूंगी। आके जा चुकी है। ये मेरा इतना गंदा मुंह वाली। सही तो कह रहा है, झूठ नहीं बोला बट उसने। तू ऐसे ही चल पीछे से ले लेती, रुक जा। बाय बोलो। तो बाय गाइस, अभी घर जाके फिर से बाय करियो। नहीं ये बात तो मैं सबकी तरह थोड़ी हूँ, मैं यूँ ही मैं सबका साथ बाय बोलूँगी, क्योंकि मैं घर जाके कैमरा खोलूँगी आधे घंटे तक हंसती रहूँ, कसी आ जाएगी आधे घंटे तक हंसती रहूँगी, फिर बाय को बोलूँगी। हाँ पीछे आ नहीं रहा यार, आ गया थोड़ा सा, इसमें जूम भी तो नहीं होगा। गाइस देखो यहाँ पे आग टपक रही है, पता नहीं क्या ही हो गया। पैसिफिक में आग लग जाती है, पूरा पैसिफिक जलने वाला है। पैसिफिक, पूरा पैसिफिक जल जाएगा आज। बोल, मैं कह रहा हूँ पूरा पैसिफिक जल जाएगा आज। पर निकलते हैं फिर हम यहाँ से, क्या करेंगे यहाँ बैठे बैठे? वैसे ही नहीं, अरे बात खत्म हो गई थी, फिर मेरे को कंटेंट मिल गया रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने उसे रिकॉर्ड किया। वैसे है तेरे पे एंट्री करने के थोड़ी पैसे लगते हैं। एंट्री भी क्यों कर रही है? स्टैग एंट्री नहीं होती यहाँ पे। चलो बाय गाइस।